हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल और आप देख रहे हैं लाइन एक्सप्लेन 007। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक फिल्म है योद्धा, उसके ट्रेलर के बारे में उसका रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं सीधे वीडियो को। दोस्तों, जो अभी निकल के आया है सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाथ में बंदूक लिए और एक्शन मोड में नजर आए बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में शुमार किए जाते हैं। सिद्धार्थ एक के बाद एक हिट फिल्मों देखकर फैंस के दिलों पर राज करते रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर अपनी नई फिल्म योद्धा से धमाका मचाने को तैयार हैं। बता दें कि करण जौहर ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफ़ी शानदार अंदाज में की थी, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा हाथ में बंदूक लिए और एक्शन मोड में नजर आए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अब लगभग खत्म कर ली गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा और सागर आमरे ने। शेरशाह की तरफ यह फिल्म भी एक एक्शन ड्रामा होने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के जरिए देश को बचाने के मिशन पर एक सैनिक की कहानी बताई जाएगी। और आगे अपडेट है, इस साल नवंबर में इस फिल्म के रिलीज होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा योद्धा में दिशा पाटनी और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में एक बहुचर्चित कास्टिंग यानी कि मल्टी स्टार कास्ट होने वाला है। इससे पहले शाहिद कपूर को चूज किया गया था, लेकिन शाहिद कपूर ने इस रोल को निभाने से मना कर दिया, जिसके बाद सिद्धार्थ को इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर लिया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में साल 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। एक सैनिक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शकों के जरिए खूब ज़्यादा सराहा गया था। ऐसे में एक बार फिर से योद्धा जरिए कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रही थी। युद्ध के अलावा अभिनेता की दो और दिलचस्प फिल्में नजर आने वाली हैं, थैंक गॉड और मिशन मजनू। इन दोनों ही फिल्मों को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि योद्धा को लेकर आपको क्या कहना है। और ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए, नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।